हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूजन के इलाज के बारे में। दोस्तों, सूजन कई प्रकार से हो सकती है। अगर मधुमक्खी काट लेती है या चोट या मूंछ लग जाती है तो उसकी वजह से सूजन हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि सूजन होने पर क्या लगाना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके इसी प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा अगर आपको सूजन हो जाती है तो आपको क्या लगाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊँगा, इनमें से आप किसी एक का इस्तेमाल करके अपनी सूजन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। आयुर्वेदिक नुस्खों में दोस्तों सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है हल्दी का। हल्दी का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। यह सूजन को ठीक करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपको एक चम्मच हल्दी पाउडर के अंदर कुछ बूंदे पानी की मिलानी है और इस पेस्ट को अपने सूजन वाले हिस्से पर लगाना है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर सूजन पूरी तरह से ठीक हो जाती है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही सूजन में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों, आप दूसरा उपाय भी अपना सकते हैं। सूजन होने पर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। यह सूजन को दूर करने में भी मदद करता है। आप सरसों के तेल का इस्तेमाल सूजन को दूर करने के लिए कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सरसों का तेल लें, इसमें लहसुन की कुछ कलियां मिलाकर अच्छी प्रकार से उन्हें गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद दोस्तों आपको अपने सूजन वाले हिस्से पर लगाना है। यह आपके दर्द में बहुत ज़्यादा राहत देता है और सूजन को 2 से 3 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सूजन को दूर करने के लिए टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है सूजन को दूर करने के लिए। आप टी ट्री ऑयल की 5 से 6 बूंदे का इस्तेमाल करें। 5 से 6 बूंदे जहाँ कहीं भी आपको सूजन हो रही है आप वहाँ पर लगाएं। दिन में 2 से 3 बार लगाने से 2 दिन के अंदर ही सूजन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक उपाय आपको बता देता हूँ, वो आपके घर के अंदर ही अवेलेबल होता है। इसमें आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजन को दूर करने के लिए आलू बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि आलू के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसके अंदर सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सूजन को दूर करने में मदद करता है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको एक आलू लेना है, इसे अच्छी प्रकार से आपको धोकर साफ कर लेना है। साफ करने के बाद दोस्तों आपको इसके पतले पतले स्लाइस काटने हैं और अपने सूजन वाले हिस्से पर लगाना है। आप इन्हें 5 से 7 मिनट इसका इस्तेमाल करें, यह आपकी सूजन को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप इसे दिन में 5 से 7 बार करें, यह आपकी सूजन को 1 से 2 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक कर देता है। दोस्तों, अगर आपके पैरों में सूजन हो जाती है तो आप अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। अरंडी का तेल एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और एक आयुर्वेदिक उपाय आज तक माना गया है। यह सूजन को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ ही दोस्तों, यह एक एंटीफंगल गुणों की वजह से युक्त रहता है, जो कि आपके शरीर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। आप अरंडी के तेल का इस्तेमाल सूजन को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, सूजन को दूर करने के लिए आप सेब के सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेब का सिरका प्राकृतिक तौर पर क्षार होता है, जिसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। यह आपकी चोट की सूजन को दूर करने में मदद करता है। आप सेब के सिरके का इस्तेमाल करके अपने चोट को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। आपको इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूँ। 2 से 3 चम्मच आप सेब के सिरके को किसी कपड़े के सहारे अपने चोट वाले हिस्से पर लगाएं, जहाँ कभी चोट वाले सूजन आ रही होगी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सूजन को दूर करने के लिए आप सिकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिकाई में आप बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बर्फ़ वाली सिकाई करके भी 3 से 4 दिन के अंदर अपनी सूजन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। आप 10 से 15 मिनट सूजन वाले हिस्से पर सिकाई करें, यह आपको बहुत ज़्यादा राहत देगा। आप 2 से 3 दिनों के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। दोस्तों, सूजन को दूर करने के लिए गुड़हल बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। गुड़हल की चाय बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल का फूल सूजन को ठीक करने में एक आयुर्वेदिक औषधि माना गया है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो आपकी सूजन को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले गुड़हल का फूल लेना है। इसको अच्छे प्रकार से पीस कर इसका एक पेस्ट बना लें। जब इस पेस्ट बन जाए तो आपको अपने सूजन वाले हिस्से पर लगाना है। 1 से 2 दिन के अंदर ही आपकी सूजन के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो कि मैंने आपको बताए थे। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। दोस्तों, हमारे यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।